आज बनाएंगे मैंगो केसर पिस्ता आइसक्रीम। सबसे पहले मैं आपको आइसक्रीम का टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बस चम्मच से टच किया और ये बाहर आ गई। मैंगो के साथ केसर और पिस्ता का कॉम्बिनेशन अमेजिंग है और आम सीजन में है तो ट्राई जरूर करिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ वर्षा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। सबसे पहले लिया है केसर, 12 से 15 केसर के धागे हैं। केसर का फ्लेवर मेन है तो केसर थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। अब केसर वाले बोल में डालिए 2 चम्मच दूध, ये गर्म दूध है। जब केसर को थोड़ी देर गर्म दूध के साथ रखा जाता है तो केसर का सारा फ्लेवर और कलर दूध में आ जाता है। मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कि अभी से केसर ने कलर छोड़ना चालू कर दिया है। इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि केसर का कलर और भी अच्छी तरह दूध में आ जाए। एक बड़ी साइज का आम लिया है, इसे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। छिलके को निकाल कर हटा दें। आइसक्रीम के लिए आम लेते समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो आम लेने वाले हैं वो मीठा होना चाहिए। अगर आम खट्टा होगा तो आइसक्रीम का टेस्ट खराब हो सकता है। इसी तरह पूरे आम को कट कर लेंगे। मैंने आम काट लिया है। अगर कप से मापा जाए तो ये 1 कप आम है। इन्हें मिक्सर जार में डालें, इसे पीस लेंगे। पीसते टाइम पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी या दूध डाल देंगे तो आइसक्रीम का टेक्सचर खराब हो सकता है। आम का फाइन पेस्ट तैयार करना है, इसमें आम के टुकड़े नहीं होने चाहिए। मैंगो पेस्ट तैयार है। अब मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ली है। ये वही व्हिप्ड क्रीम है जो केक डेकोरेशन के लिए यूज़ की जाती है। इस पैकेट को मैंने रात भर के लिए फ्रीज़र में रखा। जिस जगह पर बर्फ़ जमाते हैं वहीं पर रखना है। पैकेट में जो क्रीम है वो बिल्कुल जम चुकी है। चम्मच की मदद से इसे कप में निकालिए। हमें यहाँ पर केवल 1 कप क्रीम चाहिए। अब क्रीम को जमाने का क्या फ़ायदा हुआ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को देखते रहिए। व्हिप्ड क्रीम को बोल में डालेंगे। इस वक्त क्रीम का टेक्सचर देखिए, थोड़ी क्रीम जमी हुई है और थोड़ी पिघली हुई। ये परफेक्ट टेक्सचर है। विस्क से फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं, काम थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन हैंड ब्लेंडर सभी के पास होता नहीं है तो इस तरह विस्क से क्रीम को व्हिप कर सकते हैं। बिना रुके लगातार व्हिप करते रहिए। क्रीम को फ्रीज़र में क्यों रखा, क्यों जमाया? रीज़न ये है कि क्रीम अगर ठंडी होगी तो फेंटने में आसानी होगी। जनरली क्रीम को व्हिप करने के लिए नीचे बर्फ वाला बोल रखना होता है, तब कहीं जाकर क्रीम व्हिप होती है। लेकिन इस तरह जमी हुई क्रीम लेंगे तो बर्फ़ का बोल लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने 5 मिनट फेंट लिया है। आप इसमें डालेंगे केसर वाला दूध, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। 3 इलायची को पीस कर पाउडर बना लिया है। 1/4 कप यानी कि 3 बड़े चम्मच पिस्ता। पिस्ता को बड़ा काटा है, फाइनली चॉप नहीं किया है। आइसक्रीम खाते समय जब मुंह में पिस्ता के पीसेस आते हैं तो आइसक्रीम और भी अच्छी लगती है। 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, रेडीमेड कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करिए या घर में भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है वीडियो की लिंक आई बटन में आ रही है, क्लिक करके देख लीजिए। जो मैंगो पेस्ट तैयार किया है वो डालें। सारा मैंगो पल्प बोल में डाल देंगे। वापस इसे 2-3 मिनट के लिए व्हिप करना है। जब केक के लिए क्रीम को व्हिप किया जाता है तो स्टिप पीक्स आने तक व्हिप करते हैं, लेकिन आज आइसक्रीम बनाने वाले हैं तो क्रीम को इतना व्हिप नहीं करेंगे, केवल सॉफ्ट पीक्स आने तक व्हिप करिए। जब मैं विस्क को घुमा रही हूँ तो आइसक्रीम बेस को ध्यान से देखें तो लाइन नज़र आ रही होंगी, यही सॉफ्ट पीक कंसिस्टेंसी है। चेक करने का दूसरा तरीका है कि चम्मच से बेस को गिराएं तो ये केक बैटर की तरह गिरेगा, यानी कि आइसक्रीम बेस की कंसिस्टेंसी इस वक्त सेम वही है जो कि केक बैटर की होती है। तीसरा तरीका और जान लीजिए, चम्मच को बेस में डुबाइए और पलट कर देखिए तो चम्मच के पीछे वाले हिस्से पर आइसक्रीम बेस की एक लेयर बन जाएगी। इसका मतलब आइसक्रीम बेस तैयार है। मैंने आपको 3 तरीके बताए, तीनों में से आपको जो पसंद आया, आइसक्रीम बेस को टेस्ट करने के लिए आप तीनों में से वो तरीका अपना सकते हैं। 4 डिस्पोजेबल कप्स लिए हैं जो जनरली चाय या कॉफ़ी के लिए यूज़ किए जाते हैं।
अगर आप चाहें तो कप की जगह इसे एक बड़े कंटेनर में भी सेट कर सकते हैं। इनके ऊपर एक एक आम का पीस रख देंगे। कटे हुए पिस्ता भी डालें, दिखने में और भी सुंदर लगता है। इन्हें एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करने से आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, यानी कि जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो बर्फ जैसा फील नहीं होगा, एकदम स्मूथ आइसक्रीम बनेगी। इन्हें 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। 6 घंटे हो चुके हैं, एल्यूमिनियम फॉइल को हटा देंगे। आइसक्रीम सेट हो चुकी है, दिखने में कितनी सुंदर है। जब आप एक साथ इन्हें सर्व करेंगे तो देखते ही इन्हें खाने का मन करेगा। चलिए अब आइसक्रीम तो बना ली, कट करके इनका टेक्सचर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चम्मच से टच किया और ये निकल गई। दिखने में टेम्पटिंग है, खाने में टेस्टी है, मैंगो का सीजन चल रहा है तो देर किस बात की, जल्दी से बनाइए घर पे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।